नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि सुबह की कारोबारी सत्र में आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कमोडिटी बाजार आज मंदी की ओर रहेगा या तेजी की ओर, और किन कमोडिटीज में कितनी मंदी तेजी देखने को मिलेंगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, हमने सोयाबीन को इंटरनेशनल मार्केट में यूएस सोयाबीन वायदे की बात करें अगर, तो $1600 की रेंज में जाते हुए और ट्रेड करते हुए देखा था। काफ़ी समय से यूएस सोयाबीन $1600 की दायरे में ही ट्रेड करती नज़र आ रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन अब $1700 के ऊपर निकल चुकी है और 1720 से 1730 की रेंज में ट्रेड कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो सोयाबीन में अचानक से उछाल आया है, तो क्या इसका कुछ पॉजिटिव असर भारत की में भी सोयाबीन की कीमतों पर देखने को मिल सकता है, या फिर आगे जो बुआई का सीजन है तब सोयाबीन की कीमतें घट जाएंगी? देखिए, अभी के लिए जो है बाजार पॉजिटिव ही लग रहे हैं और बाजारों में तेजी बनी रह सकती है। जिस तरीके से विदेशी बाजारों में भी एक बार उठाव देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी सोया में तेजी बनी रह सकती है। हमने कल भी देखा था कि थोड़ा सा अगर आज सुबह भी देखें तो हम जो क्लोजिंग हुई है सीबोर्ड के ऊपर भी सोया ऑयल में हल्की तेजी के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी ये सर जी, एडिबल ऑयल की बात करें तो इंडोनेशिया ने तो अपने सीपीओ के एक्सपोर्ट पर लगभग पाबंदी लगाई दी है, क्योंकि वहाँ भी पूरी तरह से किल्लत देखने को मिल रही है सीपीओ की, इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिले थे, और जो सप्लायर्स थे इंडोनेशिया में उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर स्टॉक करा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, एक तरफ रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से सूरजमुखी तेल की सप्लाई बाधित होना, दूसरी तरफ इंडोनेशिया जैसे सीपीओ के बड़े उत्पादक और निर्यातक राज्य से देश से इस पर प्रतिबंध लग जाना, ऐसे में क्या आगे जाके और खाद्य तेलों का संकट गहरा सकता है, और क्या इसका असर कीमतों पर भी पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने फंडामेंटल बताया, अगर एक्सपोर्ट जो है वो अगर बैन होता है और यहाँ पर इम्पोर्ट बताती है, तो डेफिनेटली प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, और प्राइजेस जो है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी हद तक जो है सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है मार्केट के अंदर, सस्टेनेबिलिटी है और प्राइजेस के अंदर, और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है वो देखने को मिल सकता है, और सोयाबीन के तेल से लेकर सूरजमुखी, पाम ऑयल, सभी खाद्य तेलों में फिलहाल जो है तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इन सबको इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, रूस, यूक्रेन, इन सभी देशों से आयात किया जाता है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी बैन लगता है तो डेफिनेटली प्राइसेस के ऊपर इसका असर आता हुआ दिखाई दे सकता है, डिमांड और सप्लाई का मिसमैच बनता हुआ नजर आएगा, और जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके चलते माना जा रहा है कि सभी खाद्य तेलों में तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। जी यहीं से रूपा जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं अब ऊपरी स्तर से धीरे धीरे कुछ नरमी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आए हैं? देखिए, मसालों में अभी फिलहाल ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, और फंडामेंटल अभी भी मसालों का अगर देखा जाए तो तेजी वाला ही है, कोई बहुत ज्यादा फंडामेंटल में अभी चेंजेस नहीं हुए हैं, और जिसकी वजह से हम कहें कि करेक्शन की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार तेजी बनती हुई नजर आई थी और उसके बाद से अभी ऊपरी स्तरों पर बाजार लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं। अब जीरा देखिए, जीरे में एक अच्छी रैली थी, धनिया में भी हमने देखा था बाजार ऊपर से, लेकिन कल जिस तरीके का करेक्शन आया उसमें लग रहा था कि एक बार 11,800 तक मार्केट नीचे लुढ़क सकता है, और अब 11,800 के बाद आप मान के चलिए नीचे में हो सकता है 11,600 से 200 तक मार्केट सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि वापस निचले स्तरों पर खरीदारी आती हुई नजर आ सकती है और प्राइसेस अगेन जो है ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करते हुए नजर आएंगे। जी इसी के साथ रूपा जी, बात करें यहाँ पे अगर बिनौला खल की, तो खबरें निकल के सामने आई है कि सीजन 2021-22 में जो ऑयल सीड का जो कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो वॉल्यूम्स में भी और वैल्यू के टर्म्स में भी दोनों ही टर्म्स में उसमें गिरावट देखने को मिली है, ऐसे में आपको क्या लगता है इसका असर खल पर कितना पड़ सकता है? देखिए, अभी जो बिनौला खल के कीमतें हैं वो देखिए अब ऊपर स्तरों पर नहीं है और अभी बाजारों में तेजी का रुझान नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। अब जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है बिनौला खल का, 3,000 से 3,200 के बीच में मार्केट सस्टेन रह सकता है। अब यहाँ पर डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो मार्केट जो है इसी रेंज के बीच में, और कॉटन भी मुझे लगता है कि अब ऊपरी स्तरों से लुढ़क सकती है,
पंप का भी असर आता हुआ दिखाई दे सकता है और आगे चलकर भी बाजार जो है इसी रेंज में फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी ये शेरपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम ग्वार सीड दोनों की दोनों तेजी की ही हो रहे हैं। अगर कुछ करेक्शन आती भी है तो वो भी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहती है, मुश्किल से एक दिन की करेक्शन रहती है और फिर से जो प्राइसेस हैं वो तेजी की ओर चले जाते हैं। आपको क्या लगता है ये जो अभी भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, इसके बाद एक ब्रेकआउट लेवल 15,000 वाला लेवल कब तक एक्सपेक्टेड है गम के अंदर? देखिए अभी 13,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है मार्केट, हमने इससे जाते हुए जरूर देखा लेकिन वहां से अगेन मार्केट जो है वो करेक्शन में आ गया और अभी भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार ऊपरी स्तरों से लुढ़कर भी खुला है और 12,000 के घरों में कारोबार करता दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। 13,000 के ऊपर अगर मार्केट रुक जाता है तो 15,000 तक का टारगेट हो सकता है आपको 8 से 10 दिन के अंदर देखने को मिले। जी ये सर जी, कॉटन की बात करें तो कॉटन देख रहे हैं कि अभी भी 44,000 के ऊपर ही ट्रेड करती नजर आ रही है, अभी भी सस्टेन है 44,000 के ऊपर। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या इन लेवल्स पर कॉटन में करेक्शन आनी चाहिए? देखिए बिल्कुल यहाँ पर कपास के अंदर अभी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का मंजर बनता हुआ दिखाई दे सकता है और कभी भी ये हावी हो सकती है। नो डाउट अभी विदेशी बाजारों में सपोर्ट आ रहा है जिसकी वजह से कीमतें जो है ऊपर सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरबॉट जोन में है, अब यहाँ से करेक्शन कभी भी बनती हुई दिखाई दे सकती है और मार्केट जो है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर पीक आ चुका है और करेक्शन की तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सिर्फ जी, बात करें अगर ऑनियन की, प्याज की, तो खबरें निकल के सामने आई है कि भारत के प्याज के निर्यात में कुछ गिरावट देखने को मिली है। श्रीलंका में जब से देख रहे हैं कि आर्थिक संकट है और दूसरा बांग्लादेश में आयातित प्याज पर जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है और वहां से भुगतान होने में भी देरी हो रही है, जिसकी वजह से भारतीय निर्यातकों ने उनको निर्यात करना कम कर दिया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो किसान पहले से ही अपनी प्याज को कम भाव पर बेचने पर मजबूर हैं, अब प्याज का निर्यात में अगर कमी आती है तो उसका असर अब प्याज की कीमतों पर कितना और देखने को मिलेगा? देखिए अब प्याज की कीमतें ओवरऑल देखा जाए तो अभी प्याज की जो है प्रोडक्शन भी अच्छी खासी देखने को मिली है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट की खबरें निकल कर आ रही है कि एक्सपोर्ट जो है वो कम हो सकते हैं तो आगे चलकर कीमतों के ऊपर इसका प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा अगर गिरावट ना माने रिटेल के अंदर भी तो मेरे को लगता है कि अब थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास और बहुत ज्यादा यहाँ से उठाव नहीं है मार्केट के अंदर। हाँ लेकिन देखा जाए होलसेल के अंदर आपको प्राइजेस के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है और प्राइजेस जो है नीचे लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट नहीं उठेगा तब तक बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देगी और अभी थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन है, ब्याह शादियों का सीजन है तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बाजारों के अंदर उठाव देखने को मिले, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसानों जो है वो प्याज की क्रॉप इतनी अच्छी है और उनको दाम नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो फिर औने पौने दाम में बेचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस फसल को ज्यादा रोका भी नहीं जा सकता क्योंकि पेरिशेबल आइटम है जिसकी वजह से इसकी कीमतें अब ऊपरी सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ अगर निर्यात खुल जाता है, निर्यात बढ़ता है तो हो सकता है कि प्राइसेस में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई। जी यही सर जी, बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में आपको क्या लगता है, देख रहे हैं कि बम्पर आवकें भी हैं, उत्पादन भी ज़्यादा है सरसों का, रकबा बड़ा है और सरसों तेल का भी उत्पादन ज़्यादा ही रहेगा, उसके बावजूद सरसों तेजी की ही हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या अब 2022 में जब सरसों की बुआई होगी सीजन आने पे तो क्या इस बार भी रकबा बढ़ेगा? देखिए रकबा बढ़ने के तो चांसेस है क्योंकि प्राइसेस जो है देखिए आप ऊपरी स्तरों पर बने हुए हैं, अच्छे प्राइसेस मिले भी हैं और इसमें एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर अब धीरे धीरे प्रोडक्शन में इजाफा होगा और प्राइसेस जो है वो अगर इसी तरीके से सस्टेन रहे ऊपरी स्तरों पर तो डेफिनेटली जो रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर जी, बात करें अगर चने की, तो व्यापारियों के अनुसार तो चने का उत्पादन इस बार कम रह सकता है क्योंकि सरकार ने दालों पर इतने फैसले लिए हैं कि हर कोई दालों में कदम रखने से डर रहा है, वहीं सरकारी अनुमानों के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार चने का जो उत्पादन है और रकबा है ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, पिछली बार से ज्यादा है, तो ऐसे में इस असमंजस के माहौल में आपको क्या लगता है चने के प्राइसेस क्या रह सकते हैं? देखिए चने में उठाव नहीं है, चने के साथ साथ अगर दालों की भी बात करें तो उसमें भी प्राइसेस जो है वो अभी बहुत ज्यादा तेजी की तरफ नहीं दिखाई दे रहे, चाहे वो मसूर हो फिर उड़द हो, इन सब में ही मार्केट जो है अभी काफी सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे उठाव भी नहीं है।
हो सकता है कि अगले बार जब अराइवल कम हो तो उसकी वजह से थोड़ा सा अपसाइड आता हुआ दिखाई दे, लेकिन प्रोडक्शन अच्छा खासा है इसलिए फिलहाल बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी रूपा जी, कृषि फसलों में आप टॉपिक्स किन्हें चुनना चाहेंगी? देखिए मुझे लगता है कि अभी मसालों की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए और मसालों में खरीदारी करनी चाहिए। आज भी अगर हल्दी आपको 8500-8400 के आसपास मिलती है तो वहां पर बाइंग किया जा सकता है, जल्दी एक बार फिर से 1800 के पार जा सकती है। सेम एज इट इज धनिए के अंदर भी 11200 के आसपास बाय करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुला है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर का दौर लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।